बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल रहमान और आप देख रहे हैं FAS इलेक्ट्रिकल ट्यूब। तो दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं लेके DC इन्वर्टर चेंगहोंग रूबा के कुछ एरर कोड। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एरर F6, कम्युनिकेशन फॉल्ट बिटवीन इनडोर टू आउटडोर। ये हमारे चेंगहोंग रूबा के DC इन्वर्टर में एरर कोड तब शो हो रहा है जब हमारे कम्युनिकेशन का फॉल्ट होता है। कम्युनिकेशन क्या होती है? वो होती है कि जो हमारे इनडोर और आउटडोर का मॉडल सेम नहीं होता, जो इनडोर टू आउटडोर में जो वायर गई होती है उसमें को फॉल्ट हो सकता है, वो कहीं से डैमेज हो सकती है, या आपके जो थिमर वगैरह होते हैं पॉइंट वगैरह वो लूज़ हो सकते हैं। एरर F5, ये हमारे चेंगहोंग रूबा DC इन्वर्टर में एरर कोड तब शो हो रहा था जब हमारी गैस का फॉल्ट हो, या तो उसमें गैस ओवर हो गई है या बहुत कम है या वो कहीं से लीकेज का मसला है, तब ये एरर कोड चेंगहोंग रूबा के इन्वर्टर में शो हो रहा होता है। F4, ये हमारे चेंगहोंग रूबा के DC इन्वर्टर में एरर कोड तब शो हो रहा होता है जब हमारे इनडोर फैन मोटर का फॉल्ट हो, यानी ब्लोअर मोटर, इसकी वो फीडबैक का मसला हो सकता है और PCB का भी फॉल्ट हो सकता है जो कि उसको पावर सप्लाई कर रही होती है। एरर F3, इनडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। ये हमारे चेंगहोंग रूबा के DC इन्वर्टर में एरर कोड तब शो हो रहा था जब हमारे इनडोर की कॉइल टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट होता है। एरर F2, ये हमारे चेंगहोंग रूबा के DC इन्वर्टर में एरर कोड तब शो हो रहा था जब हमारे आउटडोर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट हो, वो जो सेंसर जो हमारी रोटरी के डिस्चार्ज पाइप पर भी लगा होता है, कंडेंसर के पाइप भी लगा होता है, उस सेंसर का फॉल्ट हो तो F2 का एरर आएगा। F1, इनडोर रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। ये हमारे चेंगहोंग रूबा के DC इन्वर्टर में एरर कोड तब शो हो रहा है जब हमारे इनडोर के रूम टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट हो, यानी रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। तो दोस्तों, जो मैंने आपको एरर कोड बताए हैं वो चेंगहोंग रूबा DC इन्वर्टर में कुछ आने वाले एरर हैं। तो एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो ये एरर कोड शो होते हैं वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो सेंसर वगैरह हैं मोटर वगैरह हैं ख़राब हो गई हैं, ये नहीं होता। उसके जैक वगैरह भी लूज़ हो सकते हैं, आपने सर्विस वगैरह करने को दौरान कोई जैक वगैरह लूज़ रहता है उससे भी ये मसला आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।